हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीटू लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। हमने हमारे लास्ट वीडियो में ऑब्जर्व किया था कि क्लॉक में क्या क्या होता है। तो क्लॉक में होते हैं नंबर्स 1 to 12, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें एक होता है आर हैंड, जो कि कौन सा घंटा चल रहा है टाइम में उसको बताता है। दूसरा होता है मिनट हैंड, जो कि बताता है कि कितने मिनट हुए हैं। और एक होता है सेकंड हैंड, जो कि बताता है कितने सेकंड्स हुए हैं। तो जो टाइम होता है वो डिवाइड होता है आर में, मिनट में और सेकंड्स में। अब आज के इस वीडियो में हम टाइम को रीड करना सीखेंगे, जबकि जो मिनट हैंड है वो हो 12 पे, तो हम ये रीड कर पाएँ कि अभी टाइम क्या हुआ है। तो जब भी मिनट हैंड 12 पे होता है, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि नया घंटा शुरू होने वाला है, यानी कि 1 बजने वाली है या 2 बजने वाली है या 3 बजने वाली है, यानी कि जिस नंबर के ऊपर हम बढ़ते चले जाएंगे वो नया घंटा शुरू होने वाला है। तो ये अब हम आगे सीखेंगे। तो मिनट हैंड एट 12 शोज न्यू आर इज गोइंग टू स्टार्ट, ये अभी हमने जाना। तो यहाँ पे जो घड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिनट हैंड है वो है 12 पे, और जो आर हैंड है वो है 1 पे। आप इस क्लॉक से समझ सकते हैं कि इस जगह पे 1 है, तो ये नंबर 1 के लिए है। तो आर हैंड है 1 पे, तो इसका क्या मतलब है? आर हैंड क्या बताता है? विच आर इज स्टार्टिंग, यानी कि 1 o'clock स्टार्ट होने वाला है। तो ये क्या है? दिस इज 1 o'clock। घंटे वाली सुई, यानी कि आर हैंड जिस नंबर पे होगा वो घंटा शुरू होने वाला है, और हम उसको क्या कहेंगे जो नंबर पे है उसको? 1 o'clock। 1 पे है तो 1 o'clock। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में 1 को क्या कहते हैं? 1। तो 1 बजे है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो है 12 पे, जो कि हमने शुरू में ही बताया कि आज हम वही नंबर वही टाइम को रीड करेंगे जहाँ पे मिनट वाली सुई 12 पे होगी। तो फिर जब मिनट वाली सुई 12 पे हो, तो हमें देखना है कि आर हैंड यानी कि घंटे वाली सुई किस पे है। तो घंटे वाली सुई है 2 पे, यानी कि 2 o'clock पे। तो 2 पे मतलब होने का मतलब है कि न्यू टाइम जो स्टार्ट होने वाला है वो 2 o'clock। तो इसको हम क्या कहेंगे? 2 o'clock, यानी कि 2 बजे हैं, यानी कि जिस पे आर हैंड होगा उतना ही बज रहा है। तो यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे है 12 पे मिनट सुई और 3 पे है आर हैंड, यानी कि घंटे वाली सुई। तो हमने जाना था कि घंटे वाली सुई जितने पे हो उतनी ही बजी है। तो यहाँ पे घंटे वाली सुई कितने पे है? आर हैंड किस पे है? 3 पे है। तो यानी कि टाइम कितना हुआ? यस, 3 o'clock। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? 3 को हिंदी में कहते हैं 3। तो 3 बजे हैं। अब इसमें बताइए, इसमें घंटे वाली सुई किस पे है? 4 पे है, और मिनट वाली सुई है 12 पे। तो सबसे पहले ये देखा हमने, मिनट वाली सुई है 12 पे, घंटे वाली सुई यानी कि आर हैंड है 4 पे। तो ये टाइम क्या हुआ? 4 o'clock। और हिंदी में 4 को क्या कहते हैं? 4। तो इसको क्या कहेंगे? 4 बजे हैं। अब इसमें बताइए, सबसे पहले चेक कीजिए क्या मिनट हैंड 12 पे है। जी हाँ, मिनट हैंड 12 पे है। तो फिर ये देखेंगे कि घंटे वाली सुई किस पे? जी हाँ, घंटे वाली सुई है 5 पे। तो कितना बजा है? 5 पे है, तो 5 o'clock, इट इज़ 5 o'clock। और 5 को हिंदी में क्या कहते हैं? 5 को हिंदी में कहते हैं 5। तो 5 बजे हैं। अब इसमें बताइए, जी हाँ, इसमें मिनट वाली सुई है 12 पे, तो हम ये देखेंगे कि आर हैंड किस पे है। जी हाँ, आर हैंड है 6 पे। तो जिस पे आर हैंड होता है उतने ही बज रहे होते हैं। तो 6 पे है, तो कितना टाइम हुआ? 6 o'clock। और हिंदी में 6 को क्या कहते हैं? 6। तो 6 बजे हैं। वेरी नाइस। अब और प्रैक्टिस करते हैं।
मिनट्स हुई है, 12 पे आर हैंड है 7 पे, तो 7 पे आर हैंड है यानी कि कितना टाइम हुआ, 7 o'clock। और हिंदी में 7 को क्या कहते हैं, 7, तो क्या कहेंगे इसको हम टाइम को, 7 बजे हैं। अब इसको बताइए, मिनट वाली सुई है 12 पे, तो अब हम देखेंगे आर हैंड, आर हैंड है 8 पे, तो जितने पे आर हैंड होता है उतना ही बजा होता है, तो कितना बजा है, 8 o'clock, इट इज 8 o'clock। और इसको 8 को हिंदी में क्या कहते हैं, 8, तो 8 बजे हैं। अब मिनट वाली सुई है 12 पे, और जब भी मिनट वाली सुई है 12 पे, तो हम देखेंगे आर हैंड किस पे है, जी हाँ आर हैंड है 9 पे, तो 9 o'clock, इट इज़ 9 o'clock। और 9 को हिंदी में क्या कहते हैं, 9, तो हम हिंदी में क्या कहेंगे, 9 बजे हैं। अब मिनट हैंड है 12 पे और आर हैंड है 10 पे, तो आर हैंड जिस पे है वही टाइम हुआ है, तो कितने बजे हैं, 10 o'clock, यानी कि 10 बजे हैं। फिर यहाँ पे मिनट हैंड है 12 पे, तो हम देखेंगे आर हैंड किस पे है, आर हैंड है 11 पे, तो उतने ही बजे हैं, तो ये क्या हुआ है, 11 o'clock, इट इज़ 11 o'clock। और हिंदी में हम क्या कहेंगे, हिंदी में 11 को क्या कहते हैं, 11, तो 11 बजे हैं। अब यहाँ पे मिनट हैंड भी 12 पे है, आर हैंड भी 12 पे है, तो हमने क्या बताया था, आर हैंड जहाँ पे होगा उतने ही बजे हैं, तो आर हैंड 12 पे है, तो कितने बजे हैं, इट इज़ 12 o'clock। और 12 को हिंदी में क्या कहते हैं, 12, तो 12 बजे हैं। तो आपने सारे टाइम देखना सीख लिया, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 o'clock। अब जब आप वो देख चुके हैं, तो हम आपको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि आपने कितना सीखा। तो ये अभी एक ब्लैंक क्लॉक है। अब अगर यहाँ पे हमें बताना है कि 2 o'clock बची है, तो 2 o'clock के लिए मिनट हैंड और आर हैंड कैसे होंगे, तो 2 o'clock के लिए सबसे पहले, चूंकि 2 o'clock है, तो आर हैंड किस पे होना चाहिए, जी हाँ आर हैंड होना चाहिए 2 पे, और मिनट हैंड किस पे होना चाहिए, जी हाँ 12 पे, मिनट हैंड होगा 12 पे। अब अगर 8 o'clock हमें शो करना है, तो 8 o'clock में आर हैंड किस पे होना चाहिए, 8 पे, वेरी नाइस। और मिनट हैंड किस पे होना चाहिए, 12 पे, करेक्ट। तो आपको आ गया है टाइम मार्क करना और रीड करना। अब अगर 12 o'clock करना है मार्क, उसकी सुई को, आर हैंड एंड मिनट हैंड्स को प्लेसमेंट करनी है, तो 12 o'clock के लिए आर हैंड कहाँ पे होगा, 12 के लिए 12 पे ही होगा, और मिनट हैंड भी किस पे होगा, 12 पे ही होगा, वेरी नाइस। तो अब आपको आ चुका है कि हैंड्स कहाँ पे उनकी पोजीशन होती है क्लॉक में। तो अब आप और भी आगे का लर्न करना चाहते हो कि अगर ये सुई अलग अलग जगह पे हो, सपोज 12 पे मिनट हैंड ना हो, आर हैंड पे सीधे नंबर की बजाय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, तो हम टाइम को कैसे देखेंगे, क्या आप वो जानना चाहते हो, ओके। तो सबसे पहले आप क्लॉक को ऑब्जर्व कीजिए, किस तरह से चलती है, क्या क्या करती है, और हम हमारे अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जब आर हैंड और मिनट हैंड अलग अलग जगह पे हो, नंबर्स पे सीधे सीधे ना हो, तो हम टाइम को कैसे रीड करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।